यस, तो ये मैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा था। तो इसमें आपको क्या करना है, जो हमने सॉल्व किया था मोल परसेंटेज, उसे कन्वर्ट करना है मास परसेंटेज में, और नाइट्रोजन के लिए सॉल्व करना है। तो मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू क्या होगा, मोल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोलर मास ऑफ N2 बाई एवरेज मास ऑफ मोलर मास ऑफ एयर, वो सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर। ये वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर, अभी इतनी ही रिक्वायरमेंट है, इतना ही समझ लीजिए, वेपर डेंसिटी इनटू टू इक्वल टू होता है मोलर मास, ठीक है। किसी भी स्पीसीज की वेपर डेंसिटी का मल्टीप्लाई बाय टू करते हैं तो उसका मोलर मास आ जाता है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मेथड टू सॉल्व द मोलर मास, ठीक है। तो ये डबल होता है, याद रखना इस फॉर्मूले को। तो वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सचर की वेपर डेंसिटी यानी मोलर मास भी किसका आएगा, मिक्सचर का ही आएगा। वेपर डेंसिटी मिक्सचर की है तो मिक्सचर का ही मोलर मास आएगा। मैंने कहा ना वेपर डेंसिटी ऑफ एनी स्पीसीज कंटेनिंग NO2 एंड N2O4 जिसमें दोनों प्रेजेंट है इज 27.6 द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इन द मिक्सचर, ठीक है। मोल फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इन मिक्सचर इक्वल टू एक्स। तो N2O4 एक्स है, देयर फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स। आपको बताया हुआ है मोल फ्रैक्शन का सम, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, जो भी कंपोनेंट होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 1 के इक्वल है, ठीक। तो हमने लिख लिया, अब मोल फ्रैक्शन, अब एक मोल फ्रैक्शन मतलब एक तरह से वो क्या होगा, आपको एवरेज मोलर मास, अभी बताया था ना मिक्सचर का मोलर मास कितना होगा, मिक्सचर का मोलर मास 27.6 इंटू टू, इट इज़ द मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मोलर मास ऑफ मिक्सचर, ठीक है। ये मिक्सचर का मोलर मास होगा, तो मिक्सचर का मोलर मास क्या होगा, 27.6 इंटू टू किसके इक्वल होगा, ये मिक्सचर का मोलर मास, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इंटू इट्स मोलर मास, N2O4 का मोलर मास 92 होगा, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इंटू इट्स मोलर मास, NO2 का मोलर मास 46 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 92x प्लस 46 माइनस 46x, ये इधर हो जाएगा 55.2 माइनस 46 इक्वल टू 46x, देयरफॉर एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, 9.2 अपॉन 46.2, तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, बी आंसर आ गया, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन, ये फॉर्मूला मैं दोबारा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये अभी हमने जो पीछे वाला एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये जिसका मैं भी कुछ पार्ट बता रहा था, इसमें भी ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास एयर का जो एवरेज मोलर मास था इक्वल टू क्या लिखा था हमने, मोल फ्रैक्शन इंटू इट्स मोलर मास प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इंटू इट्स मोलर मास डिवाइड बाई 100। वहाँ हमने क्योंकि 100% लिया था, आप यहाँ भी 100 ले सकते हैं। आप क्या मानेंगे, आप मान लें कि उसका मोल फ्रैक्शन की जगह क्या मान लें, परसेंटेज मान लें कि उसका परसेंटेज एक्स है। तो अगर हम इसका परसेंटेज एक्स लेंगे तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स हो जाएगा, 100 माइनस एक्स, और डिवाइड बाई टोटल क्या होगा, फिर 100 होगा। अभी टोटल डिवाइड बाई क्या है, अभी तो टोटल डिवाइडेड बाई 1 है, और 1 का कोई रोल था नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा था, ठीक है। तो आप उस वाले फॉर्मूलेस को, और इससे सेम ही फॉर्मूला मैंने उसमें भी आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन सॉल्व किया था हमने, ठीक है ना, मोल परसेंटेज सॉल्व किया था, तो यहाँ भी यहाँ सीधा मोल फ्रैक्शन आ गया, मोल परसेंटेज की जगह मोल फ्रैक्शन। तो आप मोल परसेंटेज भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 20 आंसर आएगा आपका। अगर आप मैं 100x के और यहाँ 1 के प्लेस पर 100 और डिवाइड बाई 100 यूज़ करेंगे, तो आप जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली x इक्वल टू 20 आएगा, और परसेंटेज क्या होगा फिर, मतलब ये तो परसेंटेज हो गया x 20%, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, 20 बाई 100, 20 बाई 100 कितना हुआ, 0.2, यानी मोल फ्रैक्शन 0.2, तो 0.2 ही आएगा। तो दोनों में से किसी भी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला न्यूमेरिकल क्या है, ये है डाईएल्ड्रिन। डाईएल्ड्रिन क्या है, एक इंसेक्टिसाइड है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कंटेंट्स कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन।
थोड़ा कैलकुलेटिव है एम्पेरिकल फार्मूला, मैं कैलकुलेशंस नहीं करूँगा, मैं वैल्यू डेटा बता दूँगा आपको कैसे करना है, आप कैलकुलेशंस कर लेना और फाइनली आंसर मिल जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन Cl एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। कंबशन ऑफ 29.72 मिलीग्राम 29.72 मिलीग्राम ऑफ डाई एल्ड्रीन गेव 41.21 मिलीग्राम ऑफ CO2 एंड 5.63 मिलीग्राम ऑफ H2O। जब इसका कंबशन करते हैं कंपाउंड का तो इतने ग्राम CO2 इतने ग्राम मिलीग्राम वाटर मिलता है, ठीक है। तो इनसे कार्बन की वैल्यू और इससे हाइड्रोजन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मास कंजर्व रहता है, ठीक है, और उस रेशो भी कंजर्व रहता है, वो आपने पढ़ा हुआ है। इन्हें सेपरेट एनालिसिस एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में कह रहा है 25.31 मिलीग्राम ऑफ द डायल्ड्रीन, यानी इसका दूसरा अमाउंट लिया है, वाज कन्वर्टेड इनटू 57.13 मिलीग्राम ऑफ AgCl, यहाँ से क्लोरीन की वैल्यू आ जाएगी। व्हाट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ डायल्ड्रीन, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला हमें बताना है, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितना अवेलेबल है। डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड H2O और AgCl जिस जो वैल्यू गिवन है उसी से सॉल्व कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, 44 ग्राम कंटेन 12 ग्राम कार्बन, तो 44 ग्राम में मोलर मास 44 में 12 होता है, तो 41.21 मिलीग्राम में कितना होगा, ठीक है। यूनिट चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ग्राम के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, मिलीग्राम, ये मिलीग्राम होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, मिलीग्राम हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मिलीग्राम तो ये भी मिलीग्राम, जिससे क्या होगा कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगे। तो मिलीग्राम मिलीग्राम हो गया, तो 12 × 41.21/44 ये है इतने मिलीग्राम कार्बन, ठीक है। अब वाटर को सॉल्व करते हैं, 18 ग्राम वाटर कंटेंस 2 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमारे पास कितना है, वही मिलीग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलीग्राम लिख लो, तो 5.63 मिलीग्राम, इसमें कितना होगा, 2 × 5.63/18 मिलीग्राम हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन आ गया। अब Cl की बात करते हैं, Cl ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा अलग है इसलिए डिवाइड कर लेते हैं। AgCl कितना होता है, 143.5 मिलीग्राम कंटेन्स 35.5 मिलीग्राम ऑफ Cl, तो इतने में इतना प्रेजेंट है, तो 57.13 में कितना होगा, 57.13। मैंने कहा ना वो मास कंजर्व रहता है, Cl किसी कैसे भी मेथड से बने विद AgCl किसी भी मेथड से बनेगा, उसमें Ag का और Cl का मास रेशो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी हम कितना भी वेट लें उसमें Cl का अपना फ्रैक्शन रहेगा, अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगी। तो वही हम सॉल्व कर रहे हैं, उसकी फिक्स्ड वैल्यू क्या, 35.5 × 57.13 डिवाइडेड बाई 143.5 मिलीग्राम ऑफ Cl, ठीक है, ये आ गया है। ये दोनों एक्सपेरिमेंट तो कौन से थे, किसमें थे, ये 29.72 मिलीग्राम वाले एक्सपेरिमेंट में थे, लेकिन ये वाला एक्सपेरिमेंट किसमें है, 25.31 मिलीग्राम में, ठीक है। तो 21.5, मैं थोड़ा सा इसे और इधर ले लेता हूँ, 25.31 मिलीग्राम कंपाउंड कंटेंस कितना है, 35.5 × 57.13/143.5 मिलीग्राम ऑफ Cl, इसमें इतना है। तो अगर 25.31 मिलीग्राम में इतना है तो 29.72 मिलीग्राम में कितना होगा, मैंने कहा ना मास, आप कंपाउंड कैसे भी बनाएं, कोई भी मॉलिक्यूल कैसे भी बने, किसी भी मेथड से बने, किसी भी सोर्स से बने, अगर वो उन्हीं एलिमेंट से बन रहा है तो उसमें उनका मास रेशो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, मास रेशो रिमेंस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 29.72 डिवाइड बाय 143.5 × 20 इतने मिलीग्राम ऑफ Cl। तो हमारे पास क्या आ गया, इतने मिलीग्राम किसके हैं, कार्बन के हैं, ठीक। इतने मिलीग्राम किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं हमारे पास में, हाइड्रोजन इतना मिलीग्राम है, कार्बन इतने मिलीग्राम है, Cl इतने मिलीग्राम है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना होगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीग्राम 29.72 मिलीग्राम है कंपाउंड का वेट, इसमें से किसका मास, वेट ऑफ कार्बन प्लस
वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस वेट ऑफ Cl, माइनस कर दीजिए. क्यों? क्योंकि किसी भी इस कंपाउंड में वो कह रहा है डाईएल्ड्रिन में कार्बन हाइड्रोजन Cl और ऑक्सीजन केवल चार एलिमेंट है, तो टोटल मास इन्हीं सब का मास होगा, तो जिसकी वैल्यू कितनी होगी 29.72 मिलीग्राम होगी. तो जिसमें 29.72 मिलीग्राम में ऑक्सीजन का वेट है, कार्बन का है, हाइड्रोजन का है, Cl का है, ठीक है, सभी का वेट है. तो इनके तीनों के वेट को ऐड करेंगे और इस 29 में से माइनस कर देंगे तो किसका वेट आ जाएगा? ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा मिलीग्राम में. ठीक है, वेट आ गया. अब वेट आ जाएगा तो हमें क्या सॉल्व कर लेना है? नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें सॉल्व कर लेना. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक, क्या करेंगे हम इसे, 12 कितना हमारे पास, 12 इंटू 41.21, यहाँ से सॉल्व कर लेना, वेट ऑफ ऑक्सीजन सॉल्व कर लेना, डिवाइड बाय 44, इतना मिलीग्राम है. ठीक है, तो मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10^-3 ग्राम, कितने ग्राम है, ठीक है, डिवाइड बाय 12 ग्राम, डिवाइड बाय 12 ग्राम, 12 ग्राम से डिवाइड करते तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाएंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, ये तो बताया था कि उसके मास को 12 से डिवाइड कर देंगे, ये कार्बन आ गया. ऐसे ही किसका सॉल्व कर लेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स सॉल्व कर लेंगे. ठीक, कितना आ जाएगा, 2 × 5.63/18, ये मिलीग्राम है, इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, और हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम. चलिए, ये हाइड्रोजन के एटम्स आ गए. ठीक है, इसके बाद किसके एटम्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ Cl एटम्स. Cl एटम्स कितना होगा, ये रहा Cl का मास, इस सारे मास को 35.5 से डिवाइड करना है, 35.5 × 57.13, कैलकुलेशन अब अपने आप कर लेना, 29.72 डिवाइड बाय 143.5 × 25.31 डिवाइड बाय, और हाँ सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 10^-3 डिवाइड बाय, क्योंकि अभी तो ग्राम बन जाएगा ना, 35.5 ग्राम. ठीक है, इससे पहले मल्टीप्लाई. अच्छा, वैसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि ये 10^-3 सभी में रहेगा, और जब हम रेशो लेंगे तो क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व. अब ऐसे ही पहले ऑक्सीजन का वेट सॉल्व करो, और ऑक्सीजन के वेट को यहाँ पर लिखो, ठीक है, और यहाँ लिख करके वैसे ही उसे भी सॉल्व कर लो. अब आपके पास कार्बन हाइड्रोजन Cl और ऑक्सीजन आ जाएगा, इनका रेशो, क्योंकि रिलेटिव रेशो होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूले में क्या होता है, रिलेटिव रेशो. तो आपको क्या सॉल्व करना है, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू Cl इज टू ऑक्सीजन फॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो एम्पेरिकल फॉर्मूले के लिए आपको ये सॉल्व करना है कार्बन, तो यहाँ से बस आपके पास सिर्फ ऑक्सीजन का बचा हुआ है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. तो यहाँ से आप उसका वेट सॉल्व कर लेना, वेट ऑफ, मैं लिख देता हूँ, वेट ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाय 10^-3, क्या बन जाएगा, ग्राम बन जाएगा अब ये. ठीक है, ये हो जाएगा ग्राम, डिवाइड कर देना 16 से, तो ये इसके एटम्स आ जाएंगे. ठीक है, 16, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का मास क्या होता है, 16 होता है. तो इस तरह से आपके पास सभी का नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन Cl और ऑक्सीजन के, और विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो कितनी वैल्यू है, बस आपको ये सॉल्व करना है. ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट कार्बन का परसेंटेज या हाइड्रोजन का इनका परसेंटेज गिवन नहीं होगा. उस केस में आप क्या करेंगे, आपको ना इक्वेशन लिखने की रिक्वायरमेंट है, ना कुछ करने की रिक्वायरमेंट है, सीधा CO2 वाटर या जो भी प्रोडक्ट बना हुआ है. क्यों? क्योंकि CO2 बनेगा तो वो कार्बन कहाँ से आएगा, कंपाउंड से आएगा, और CO2 कहीं भी रहेगा उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. यानी इतने में इतना परसेंटेज है तो इतने ग्राम में भी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि 44 ग्राम में इतना है तो 41.21 ग्राम में कुछ और चेंज हो जाएगा, नहीं. इसकी परसेंटेज अगर यहाँ 50% है, अगर 40% है, मान लो 40% है, तो इसमें भी 40% ही रहेगा. इसमें 20% है तो यहाँ भी 20% ही रहेगा. यानी कि एक में उसका परसेंटेज जितना है उतना ही हर बार रहता है, अगर वो कंपाउंड सेम बन रहा है. वो हम पढ़े पढ़ा हुआ हमने कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन वाले में. ठीक है, ऐसे ही इसे सॉल्व कर लिया, ऐसे ही इसे सॉल्व कर लिया. ठीक है, लेकिन ये अलग एक्सपेरिमेंट में का था, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट का था, जो कि 25.31 मिलीग्राम में यूज़ हुआ था, लेकिन हमें तो 29.72 में चाहिए था. क्यों? क्योंकि इसके सॉल्व किए बिना Cl का मास को ऑक्सीजन का मास नहीं आ सकता, क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है.
तो ऑक्सीजन का मास नहीं आ पाएगा, तो फिर उसका ऑक्सीजन के एटम्स भी नहीं आ सकते, ऑक्सीजन के एटम्स नहीं आ सकते तो उसका रेशो भी नहीं आ सकता, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेना, डिवाइड कर लेना, ठीक है, जो भी वैल्यू है उससे डिवाइड करने के बाद में, मल्टीप्लाई करने के बाद में। और हाँ, ध्यान रखना कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा नंबर्स तक करना, मतलब राउंड ऑफ करने की कोशिश मत करना, डेसिमल्स में रहने दो, 3 या 4 पॉइंट तक, 3 और 4 पॉइंट तक डेसिमल्स में रहने दो और तब कैलकुलेशन करो। और 10^-3 सभी में कॉमन रहेगा, आप चाहे तो उसे अभी काट सकते हैं या बाद में कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आप और डाउट भेजिए। ठीक है, थर्सडे आपका टेस्ट होगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा। और कल अपने और डाउट सेंड करिए जो भी आपका, ठीक है, कोशिश करेंगे कल ट्राई करते हैं जूम क्लास का, ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन डाउट सेशन रखना है तो वो ऑनलाइन रख सकते हैं। ठीक है, आप मुझे बता देना, ठीक है, व्हाट्सएप कर देना, मतलब मैसेज कर देना कि हाँ सर हम जूम ऑनलाइन के थ्रू डाउट लेंगे, ठीक है, तो आप हम वो कर लेंगे, और अदरवाइज ऐसे चल रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, क्लियर, ओके, गुड डे।